अच्छा भाई, बुक हमने कहाँ तक पढ़ ली थी? चैप्टर टू। इंट्रैक्शन मॉडल पढ़ लिया था, बिल्डिंग इंटेंट पढ़ लिया था, ये सारे एग्जांपल इसने जो बनाए थे ये पढ़ लिया था। अच्छा, सेल्फ होस्टेड और लैम्डा फंक्शन, ये डिफरेंस हम देख चुके थे दोनों का। होस्टेड एंड पॉइंट और AWS लैम्डा, अब ये दोनों में कुछ कहानी सुना रहा है काफी लंबी। अच्छा, कहानी सिंपल यही है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोडिंग द फुलफिलमेंट। यहां से मेरे ख्याल से शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, लैग तो नहीं आ रहा आप लोगों के पास स्क्रीन पे? ये मैंने फुलफिलमेंट को सेलेक्ट किया, हो गया, ये मैंने कोडिंग को सेलेक्ट किया। अच्छा, ये मैंने हटा दिया, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लैग आता है ना तो मुझे पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे लैग आ रहा है तो। और दूसरा ये, वो बार बार क्रैश भी होता रहता है एनी डेस्क, तो अभी ये वाला सही है आई थिंक, कि सबके पास यहाँ से डायरेक्ट ही जा रहा है। और आई थिंक है भी लोकल नेटवर्क, तो शायद इसको पता चल जाता है कि अच्छा लोकल है, तो वो स्पीड में हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, प्रीवियसली इफ यू वॉन्टेड टू यूज लैम्डा टू क्रिएट अ स्किल, इट वॉज नेसेसरी टू गो, अभी तक लोग एडमिट ही हो रहे हैं। उम्मे हफ्सा सिद्दीक, ये कौन है भाई? यहाँ पे मुझे खातून यहाँ बैठी हुई थी, कोई नजर नहीं आ रही। अच्छा चलो, मान लेते हैं तुम्हारी बात। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इट वाज नेसेसरी टू गो इन डेप्थ ऑफ AWS, कि डेप्थ में आपको जाना पड़ता था AWS के, और इतना आसान नहीं था। लेकिन अभी आपने देखा है कि पहले से ही एक पूरा कोड एडिटर बना हुआ है, कोड भी सारा पहले से लिखा हुआ है, जस्ट आप छोटी सी मॉडिफिकेशन की, डिप्लॉय का बटन दबाया, चल गया। ठीक है, इट इज नॉट अ प्लेस दैट्स फ्रेंडली, इट वॉज एक्चुअली, ठीक है, दोज हु आर नॉट ऑलरेडी अकस्टम टू इट। कह रहे हैं कि जो लोग अमेजोन के इकोसिस्टम से वाकिफ नहीं है उनके लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अमेजोन न्यू दिस एंड इट एडेड अ होस्टेड स्किल, वेयर अमेजोन प्रीवियस अमेजोन प्रोविजंस द नेसेसिटी ऑफ AWS सर्विस एंड प्रोवाइड एन इनपुट फॉर द कोड डायरेक्टली विद इन द डेवलपर कंसोल। तो कह रहा है अमेजोन ने इन चीजों को नजर रखते हुए वहीं पे कोड एडिटर बना के वहीं पर आगे लिखो, यही किस चला। अच्छा, कह रहा है यू कैन स्टिल राइट कोड इन योर फेवरेट एडिटर, आप बिले उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर आप यहाँ गौर करें कोड वाले पे सेक्शन पे, तो यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड कोड और अपलोड कोड दोनों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से स्किल का कोड पूरा डाउनलोड करके, जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा आप देखें इसमें क्या होगा कि मेरे पास तो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं कोड अपने पीसी में लिखूं और पीसी में लिख के इसी तरह से अपलोड कर दूं, इसके पड़ोस में ऑप्शन है अपलोड का, तो 15 सेकंड किस खुशी में भाई, चुनना सा कोड है, 15 सेकंड डाउनलोड बार बार अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपने पीसी में कोड लिख रहे हैं तो या तो यहां से अपलोड करना पड़ेगा या तो उनका एक CLI टूल है, उस CLI टूल से आपको करना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है जी, तो ये zip खुला मेरे पास, और zip के अंदर आप देखें क्या है, इंटरेक्शन मॉडल है, लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन में देखें आप index.js है, ये वही सारा कोड है जो हम वहां पे अभी देख कर आए हैं। package.json है, util.js, ठीक है, यही कुछ था वहां पे, लैम्डा है, इंडेक्स है, package.json, util.js, तो ये पूरा डाउनलोड हो गया। इसी तरह से ये अपलोड भी कर सकता हूँ मैं कहूंगा भाई ब्राउज, और यहाँ से सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा, एज इट इज अपलोड हो जाएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ अगर मुझे अपने पीसी के अंदर कोड लिखने का शौक है ज्यादा, तो ठीक है भाई। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात कर रहा है, रिमेंबर दैट वॉइस एप्लीकेशन वर्क्स विद सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर ऑन द डिवाइस थ्रू द प्लेटफॉर्म एंड फुलफिलमेंट एंड देन बैक रिवर्स इन ऑर्डर। Each step add a transformation to the data that goes to the next step, and the fulfillment is no difference. The
The fulfillment performs the biggest change as it reverses the flow and turn request into response. अच्छा कह रहे हैं कि जैसे ही आप डिवाइस से बात करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप बोलते हैं वो एक एक स्टेप होते 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 आखिर तक पहुंचता है. जैसा हमने जिक्र किया था पहले डिवाइस सुनता है उसको इनवोक होता है फिर डिवाइस के अंदर से वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है उस चीज को जो भी मैंने बोला है रिकॉर्ड करके वो अमेजोन के सर्वर पे जाता है वहां पे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है फिर वो टेक्स्ट एनएलपी को मिलता है एनएलपी उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालता है स्लॉट्स इंटेंशन समझता है फिर उसको वो फॉरवर्ड करता है फुलफिलमेंट. तो कह रहे हैं कि ये एक स्टेप सबसे आखिरी जो हमारा ना वो फुलफिलमेंट है. फुलफिलमेंट बहुत अहम किरदार अदा करता है. ये रिक्वेस्ट जो जा रही है ना इसको रिस्पॉन्स बना देता है और वहीं से रिस्पॉन्स पलट के वापस आता है हमारे पास. The ASK SDK facilitated this transformation by taking the request and directing it into handler that can build response. अच्छा ये हम जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था इस लाइब्रेरी के बगैर भी ये काम हम कर सकते हैं. अच्छा कैसे करते हैं अगर इस लाइब्रेरी के बगैर करते तो देख लेते हैं जनाब इसका. मैंने कहा कि अलेक्सा स्किल किट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ठीक है तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो है ना रेफरेंस आ गया कि जो जिस फुलफिलमेंट पर रिक्वेस्ट पहुंचती है वो कैसी होती है. वो इस तरह की रिक्वेस्ट होती है कुछ ठीक है इस तरह की रिक्वेस्ट है वो पहुंचती है. अब इसमें क्या क्या पैरामीटर है वर्जन के अगेंस्ट क्या क्या आ सकता है सेशन के अगेंस्ट क्या क्या आ सकता है उसका पूरा डॉक्यूमेंट एक लंबी डॉक्यूमेंटेशन है. अच्छा फिर मैं आ गया अब रिस्पॉन्स में. ये मैं रिस्पॉन्स में आ गया ये साइड पे ना मैंने रिस्पॉन्स पे क्लिक करके रिस्पॉन्स कर दिया. मेरा कर्सर दिख रहा है सब लोगों को. अच्छा सही रियल टाइम में दिख रहा है. अच्छा तो फिर अब ये कह रहा है दिस सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर द रिस्पॉन्स सर्विस रिटर्न्स. अब ये सर्विस कौन सी है मेरा फुलफिलमेंट सर्विस कोई सी भी हो सकती है लैंडा फंक्शन या नॉट जेएस का हरिको पे डिप्लॉय हो सकता है. अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो कुछ इस तरह का होगा. हम जो कहते हैं ना डॉट स्पीक वो उसके पीछे ये जेसन है. फिर हम जो कहते हैं डॉट रीप्रॉम्प्ट स्पीक डॉट रीप्रॉम्प्ट वो रीप्रॉम्प्ट ये देख रहे हो ये जेसन हम ऐसे भी भेज सकते हैं चाहे तो ठीक है जी. ये पूरा रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स हैं कि भाई अब स्पीक के अगेंस्ट में मैं क्या क्या भेज सकता हूँ ठीक है. एक स्पीक आउट ऑब्जेक्ट है ये भेज सकता हूँ. ये स्पीक आउट ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है टाइप इसकी क्या है प्लेन टेक्स्ट है या SSML है. अगर प्लेन टेक्स्ट है तो फिर टेक्स्ट होना चाहिए SSML है तो फिर SSML होना चाहिए इसमें ठीक है. और फिर प्ले बिहेवियर कि उसका प्ले बिहेवियर क्या है रिप्लेस ऑल रिप्लेस इनक्यूई कैसे करके प्ले किया जाए उसको ठीक है. इनक्यूड का मतलब होगा कि जो भी पहले से बोलने के लिए लाइन में लगी हुई है चीज अलेक्सा की डिवाइस आ रही है उसमें काफी चीजें प्ले हो रही होती है एक वक्त में तो वो कैसे करके प्ले होगा. तो हमारा जो डिफॉल्ट होता है वो इनक्यूड होता है ऐसा ही है. इसमें मेंशन हुआ होगा कौन सा डिफॉल्ट है ठीक है. और तीनों की इसमें प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है कि इनक्यू क्या करता है एड दिस स्पीच टू द एंड ऑफ द क्यू जो भी चल रहा है वो खत्म होगा तो ये चल जाएगा हमने जो रिस्पॉन्स भेजा है. रिप्लेस ऑल का मतलब है कि इमीडिएटली बिगन प्ले फॉर दिस स्पीच कि जो भी आपने लिखकर भेजा है यहाँ से स्पीक आउट किया वो फॉरन प्ले होना शुरू हो जाएगा बाकी चीजों को साइड पे कर दे. और तीसरा क्या है रिप्लेस इन क्यू रिप्लेस ऑल स्पीच इन द इन क्यू कि जितनी भी क्यू में लगी हुई थी उसको डिलीट ही कर देगा वो दोबारा प्ले भी नहीं होगी और अपने आप को प्ले कर देगा सही है. तो डिफॉल्ट ये इन क्यू है सबसे फर्स्ट वाला है. फिर कार्ड आप किस तरह से भेज सकते हैं इसमें ये पूरा जेसन इन्होंने पूरा यहाँ पे बताया है. अच्छा जी अब हम देखते हैं कि जो इसकी लाइब्रेरी है उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है. उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं कहाँ जाऊंगा. मैंने कहा अलेक्सा SDK 4 यही नाम था ना उसका और NPM साथ में सही है ASK SDK 4 ये मैं डॉक्यूमेंटेशन में इसके आ गया. इन्होंने कहा यूजेज एंड गेटिंग स्टार्टेड यू कैन फाइंड गेटिंग स्टार्टेड गाइड हेयर. ये हेयर मैंने क्लिक किया ये शॉर्टकट है ये मुझे अमेजोन की ही डॉक्यूमेंटेशन के एक खास हिस्से में लेकर चला गया जहां पर ये सारी बातें लिखी हुई ठीक है. ASK SDK फॉर नॉट JS सेटअप सबसे पहला सेटअप में क्या क्या करना है आपको ठीक है. इंस्टॉल कैसे होगा क्या चीज कैसे सेटिंग करनी है ट्यूटोरियल ये जो चीजें बुक में लिखी हुई है वो यहीं से देखकर लिखी गई है. मैं अगेन आपको बता रहा हूँ बुक जो है वो लिखने वाला कोई उसको गैप से नहीं पता चल रहा वो यहीं से देख देख के उसने लिखा है सब कुछ. तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको देख के पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो
आपके पास दो रिसोर्स आ गए, एक बुक आ गया और ये डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि बिल्डिंग रिस्पॉन्स जो हम करते हैं ना, फुलफिलमेंट से डॉट आस्क डॉट रिप्रॉम्प्ट, वो उसमें भाई दो चीज तो उसने करके बता दिया, बाकी क्या क्या ऑप्शन है वो यहाँ से पता चलेंगे हमें। कह रहे हैं कि अवेलेबल मेथड यही है, डॉट स्पीक डॉट रिप्रॉम्प्ट डॉट विथ सिंपल कार्ड, कार्ड भेजना चाह रहे हैं आप। अच्छा, स्पीक में क्या देना होगा आपको, स्ट्रिंग देना होगा एक अदद, और दूसरा प्ले बिहेवियर देना पड़ेगा आपको। दूसरा वाला जो ऑप्शनल है, ना भी दे तो एक डिफॉल्ट वो इनक्यू वाला ले रहा होता है, तो हम एक ही स्पीच दे के उसको भेज रहे होते हैं सर्वर से। ठीक है, इसी तरह का स्पीक है ये। अगर हम दोबारा वापस आए और यहाँ पे देखें आके इसको, जो वेलकम वाले पे चला जाता हूँ मैं, कि वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी, तो इसमें लास्ट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉट स्पीक, तो ये है वो मेथड। अच्छा, डॉट रिप्रॉम्प्ट फिर डॉट गेट रिस्पॉन्स, ये तीन मेथड है, तीनों को देखते हैं तीनों क्या काम करते हैं। आ जाते हैं जी वापस यहाँ पर। ठीक है, डॉट रिप्रॉम्प्ट में क्या देना होता है, रिप्रॉम्प्ट स्पीच आउटपुट देना होता है उसको। ठीक है जी, और अब उसके बाद है गेट रिस्पॉन्स, गेट रिस्पॉन्स ही आ चुका है हमारे पास। अब इन तीनों का नीचे बिहेवियर उन्होंने बताया हुआ है, कैसे कैसे किसका बिहेवियर है। डॉट स्पीक, ठीक है सीन है, डॉक्यूमेंट इतना शॉर्ट क्यों हो गया। इसने एक लिंक दिया हुआ है टाइप डॉक का, इसमें जरा जाके देखते हैं। नहीं नहीं ये तो कुछ अलग ही है, मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि इस स्पीक के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो उन्होंने मोटा मोटा बता दिया है कि स्पीक में एक स्ट्रिंग है और दूसरा जो प्ले बिहेवियर है, प्ले बिहेवियर हम देख चुके हैं क्या क्या होता है। ठीक है जी, फिर रिप्रॉम्प्ट में भी स्ट्रिंग है, लेकिन रिप्रॉम्प्ट एग्जैक्टली क्या करता है उसकी डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं इन्होंने लिखी हुई होगी, इसी तरह लिस्ट की सूरत में लिखी हुई होगी। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बिल्डर और इमेज टेक्स्ट, अगर मैं टाइप डॉक में दोबारा वापस जाऊं और दोबारा वापस जाके यहाँ पे डॉट स्पीक, ये डॉट स्पीक इस पे क्लिक करूं अगर, हाँ तो यहाँ पे मुझे इसने बता दिया, इसने कहा हैज अलेक्सा से द प्रोवाइडेड स्पीच टू द यूजर, कि जो भी इसमें बात लिखी जाएगी वो अलेक्सा बोल के सुना देगा। अच्छा, रिप्रॉम्प्ट को भी हम तलाश कर लेते हैं, ये रिप्रॉम्प्ट है जनाब, रिप्रॉम्प्ट क्या हैज अलेक्सा लिसन फॉर स्पीच फॉर द यूजर, इफ द यूजर डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन ए सेकंड देन हैज अलेक्सा रिप्रॉम्प्ट विद द प्रोवाइडेड रिप्रॉम्प्ट स्पीच। अब समझ आया रिप्रॉम्प्ट में क्या मकसद है, रिप्रॉम्प्ट का स्पीक कर दिया, साथ में रिप्रॉम्प्ट भी भेजा कि भाई उसी बात को दोबारा पूछेगा, लेकिन ओनली उस सूरत में जब 8 सेकंड तक रिस्पॉन्स ना आए। भाई आपने, मैंने पूछा कि वेलकम टू सैलानी वेलफेयर, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं कोड में दोबारा जाता हूँ, भूल गया मैं क्या लिखा था, हाँ आप डोनेट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी लर्न कर सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पर। तो आप नोट कीजिए, मैंने स्पीक में भी वही बात लिखकर भेजी है और रिप्रॉम्प्ट में भी वही बात लिखकर भेजी है। मैं रिप्रॉम्प्ट में थोड़ा सा मुख्तलिफ मैसेज अगर चाहूँ तो भेज सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है कि वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी, यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, फिर 8 सेकंड तक अगर बंदा नहीं बोले, बोलो भाई जवाब दे दो, ठीक है ये लिख के भेज सकता हूँ मैं, ऑफेंसिव होगा थोड़ा। यही करते हैं ना दुकान वाला हमारे साथ, दुकान पे जाके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दुकान पे जाके खड़े हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था लेना क्या है। तो वो दुकान वाला कहता है कि भाई क्या लेना है जल्दी बताओ, तो अलेक्सा भी हमारा इस तरह कह सकता है, लेकिन कितने सेकंड बाद, 8 सेकंड के बाद। तो ये रिप्रॉम्प्ट है, अभी इंटेंट को भूल जाओ, अभी लॉन्च, अभी सिर्फ अलेक्सा लॉन्च हुआ, अभी अभी उसका जवाब मिल जाएगा, अभी उसका जवाब भी मिलेगा। ये गेट रिस्पॉन्स को आप देखते हैं कि गेट रिस्पॉन्स क्या है। सही है, मैं वापस आया और इस लिस्ट के अंदर मैंने देखा कि गेट रिस्पॉन्स किधर है, अभी सबका जवाब आहिस्ता आहिस्ता, ये गेट रिस्पॉन्स है। अब देखो गेट रिस्पॉन्स क्या करता है कि रिटर्न्स द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, के रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना के, ये आपने क्या लिखा है स्पीक और रिप्रॉम्प्ट, कि पहले बोलो फिर 8 सेकंड बाद दोबारा बोलो
और गेट रिस्पॉन्ड। ये क्या करता है गेट रिस्पॉन्ड, जो भी डॉट डॉट करके आपने लिखा उसका पूरे का जेसन बनाता है, पूरे का जेसन बना के वापस भेज देता है। सही, गेट रिस्पॉन्स ये वाला काम कर देता है। अच्छा, अब आपके दोस्त ने एक सवाल किया, बड़ा जबरदस्त सवाल, इसने समझ आया आपको, हम जवाब इसका देखेंगे चलते चलते साथ में, इसका जवाब मिलेगा रास्ते में। लेकिन इन्होंने सवाल ये पूछा है कि भाई अगर अलेक्सा से मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूं तो मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि मैं कुछ पूछ रहा हूं या बता रहा हूं। यही सवाल है ना तुम्हारा, कुछ पूछ रहा हूं या बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर अलेक्सा ने मुझसे पूछा, सॉरी मैंने अलेक्सा से पूछा व्हाट टाइम इज इट, अपनी ऐप के अंदर रहते हुए पूछ रहा हूँ, एज्यूम अजम्पशन ये है कि अपनी ऐप के अंदर रहते हुए पूछ रहा हूँ, मैं सरानी वेलफेयर के अंदर अंदर रहते हुए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट टाइम इज इट, अलेक्सा ने मुझे बता दिया इट्स 7 PM, बात यहाँ पे हो गई खत्म। ये इनकी डिजाइन गाइडलाइन है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप माइक को ओपन नहीं रख सकते हैं, आप माइक को ओपन नहीं रख सकते हैं। 7 PM बता दिया, कहानी खत्म है यहाँ। ये अगर आपने इसमें माइक को क्लोज नहीं किया, ठीक है, और आपने पब्लिश कर दिया इसके लिए तो आपका रिजेक्ट मार देंगे सामने से, ठीक। तो ये डिजाइन गाइडलाइन है कि अगर कोई ऐसी बात पूछी जा रही है जिसका रिस्पॉन्स आप दे चुके हैं तो बस खत्म करें हम यहाँ पे कहानी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक दूसरा सिनेरियो जिसमें आप सर्वर से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, उसमें भी स्पीक के जरिए भेजेंगे आप। अलेक्सा से मैंने कहा कि यार ये बताओ कि आज का मैच कौन जीता। अब अलेक्सा के पास रिक्वेस्ट गई, अलेक्सा को, अलेक्सा ने किसी भी तरह डेटाबेस से किसी भी तरह ये पता लगाया कि आज तो दो मैच हुए हैं, तो मैच ए की बात हो रही है, मैच बी की बात हो रही है, वो भी मैंने स्पीक करके बताया, वो भी मैंने क्या किया, स्पीक करके बताया। उस स्पीक के अंदर एक सवाल है जिसका मैं यूजर से जवाब मांग रहा हूं, ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल वही है, उसी तरह स्पीक करके बताया है। अब अलेक्सा को ये कैसे पता चलेगा कि माइक को खुला रखना है कि सवाल पूछा गया है, या माइक को बंद कर देना है कि बात खत्म हो गई, वो पता चलेगा रीप्रॉम्प्ट से। रीप्रॉम्प्ट जब हम भेजेंगे तो इसका मतलब ये है कि अलेक्सा को ये पता चलेगा, समझेगा अलेक्सा कि चूंकि साथ में एक रीप्रॉम्प्ट आया है, इसका मतलब है कि कोई सवाल है कि जिसका जवाब ना मिले तो पूछा जाए दोबारा, तो फिर वो माइक को क्लोज नहीं करेगा, फिर वो माइक को ओपन रखेगा, समझ लो बात, फिर वो माइक को ओपन रखेगा, और आपने अगर नहीं बताया उसको कि कौन सी टीम, तो फिर आपसे दोबारा पूछेगा वो, आपने पूछा कौन मैच जीता, उसने कहा भाई दो मैच हुए, उसने कहा भाई टीम मैच ए या मैच बी, कौन से मैच का आप रिजल्ट पूछ रहे, तो मैं यहां से बोलूंगा मैच ए या मैच बी, बिलफर्ज उसको समझ नहीं आया या मैंने बोला ही नहीं कुछ, तो 8 सेकंड बाद चूंकि रीप्रॉम्प्ट मौजूद है तो वो रीप्रॉम्प्ट भी होगा, ठीक है। अच्छा, उस रीप्रॉम्प्ट के बाद भी अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो 8 सेकंड बाद वो खुद ही माइक को बंद कर देगा और एग्जिट कर देगा यार। रीप्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं कि वो बार बार पूछता रहेगा, ठीक है। अब वो बार बार पूछने का भी एक सीन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर उसका ये है कि अगर मैंने रीप्रॉम्प्ट के साथ कोई बात पूछी है तो वो पहले पूछेगा सवाल स्पीक वाला, फिर 8 सेकंड रुकेगा, फिर रीप्रॉम्प्ट वाला सवाल पूछेगा, फिर 8 सेकंड तक माइक को ओपन रखेगा, अगर जब भी कुछ नहीं बोला किसी ने तो माइक को क्लोज कर देगा, तो 8 और 8 16 सेकंड तक वो वेट करेगा इन टोटल। अच्छा, अगर आपने ये सबको समझ आया भाई इधर कि रीप्रॉम्प्ट का क्या मसला है, और जब फुलफिलमेंट से जो स्पीक आ रहा है वो कोई सवाल भी हो सकता है, वो कोई जवाब भी हो सकता है, सवाल और जवाब में डिफरेंस क्या है कि सवाल में रीप्रॉम्प्ट होगा, जवाब में रीप्रॉम्प्ट नहीं होगा, जवाब में जस्ट स्पीक आउट होगा, स्पीक आउट एंड क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा सिनेरियो और बात कर लेते हैं, अगर ओवरफ्लो नहीं हो रही बात, समझ आ रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा। देखो, अब मेरे पास एक सवाल आ गया कि भाई टीम ए जीती या टीम बी जीती, मैंने बंदे से पूछा, बंदे ने कोई ऐसी बात की कि टीम ए बोला ना टीम बोला कुछ और ही बोल दिया, तो वो मेरे पास सर्वर पे जाएगा, वायरस स्लॉट के साथ जाएगा, क्योंकि स्लॉट के जरिए पूछा जा सकता है, टीम ए और टीम बी स्लॉट में मौजूद होगी, स्लॉट के जरिए गया, मुझे सर्वर पे वो स्लॉट नहीं मिला,
तो मैं सर्वर से ना दोबारा रिप्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, मैं जितनी बार चाहूँ रिप्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो कैसे भेजूंगा, मैं स्पीक और रिप्रॉम्प्ट दोनों भेजूंगा साथ साथ। मैं क्या करूंगा, स्पीक और रिप्रॉम्प्ट दोनों साथ साथ भेजूंगा, तो उससे क्या होगा, वो फिर से पूछेगा। अच्छा, फिर कोई गलत जवाब दिया, फिर सर्वर पे जाएगा, वो दो दफा पूछेगा वो, ठीक है, दो दफा यहीं पे पूछेगा गलत जवाब की जरूरत, फिर सर्वर पे जाएगा, वहां पे अगर मुझे समझ में नहीं आया इसका रिस्पॉन्स, मैं फिर रिप्रॉम्प्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्लोज भी करवा सकता हूँ। भाई सर्वर पे दो तीन बार गलत रिस्पॉन्स दे दिया, मैंने देखा कि भाई तीन बार ये गलत रिस्पॉन्स दे चुका है, कोई वेरिएबल सेट कर लिया मैंने जस्ट इन केस, या डेटाबेस में कोई वेरिएबल सेट कर लिया कि इतनी बार गलत रिस्पॉन्स ये दे चुका, तो मैं उसके बाद कहूँ कि भाई आपको बोलना नहीं आ रहा, आप बाद में ट्राई कीजिएगा, या आप हो सकता है कि जिस प्लेस में मौजूद है वहाँ नॉइज बहुत ज्यादा, तो आप बाद में ट्राई कीजिएगा, ये बोल के मैं कहानी खत्म भी करा सकता हूँ। जी हाँ जी जी हाँ एक्सैक्टली यही हुआ मैं भी तो ये सारे मेथड समझ में आ गए। अब इन मेथड्स को हम थोड़ा सा इंडेप्थ देखते हैं कि क्या सीन है। कल हमने रिप्रॉम्प्ट करने की कोशिश की थी जी, देखिए गेट रिस्पॉन्स जो है ना, असल में मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, गेट रिस्पॉन्स इन्होंने उल्टा बना दिया थोड़ा, इसका मतलब है सेंड रिस्पॉन्स, तो इन्होंने गेट रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों नाम रखा है। ये जैसे ही हम करेंगे ना डॉट 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 करके जो जो लगाना है, जैसे एक्सप्रेस के सर्वर में क्या होता था, मैं कहता था रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, फिर जो भी लगाना होता था इसमें आखिर में कहता था सेंड। इसमें भी इनको वही रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं रखा, ठीक है, इन्होंने रखा गेट रिस्पॉन्स। तो जैसे ही मैं गेट रिस्पॉन्स करूंगा, देखें ये जब भी मैंने ये पढ़वाया आपसे, रिटर्न द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कि जो सर्वर पे फुलफिलमेंट के कोड में जो रिक्वेस्ट आई हुई है उसका रिस्पॉन्स जो हम बना रहे हैं, उस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को भेज देगा वापस, यानी यूजर के पास, तो ये काम करता है। अच्छा, तो मैं अगर इसी के कोड में आ जाऊं, ये मैं किसके कोड में मौजूद हूँ, जरा हम दोबारा से एक दफा इंटेंट पे नजर मार लेते हैं कि इंटेंट क्या है हमारे। डोनेट के नाम से एक इंटेंट है, और इसमें बंदा क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू सदका 1000 रुपीज जस्ट इन केस, ये कह रहा है बंदा। अच्छा, फिर मेरे पास किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं स्लॉट के अंदर जाता हूँ, स्लॉट के अंदर भी कोई कंफर्मेशन मैंने नहीं लगाई भी फिलहाल, सही है, कंफर्मेशन बिला वजह एनॉय कर रही थी, मैंने हटा दी, कंफर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, तो बंदा बोलेगा बगैर कंफर्म किए वो सर्वर पे लेके चला जाएगा यहाँ से, और सर्वर पे मिले या ना मिले फिर वो देखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि, बल्कि इसको सेव करके और बिल्ड करके चला के देखते, सही है, इसका मतलब ये हुआ, बिल्ड जब तक हो रहा है समझते हैं, बंदे ने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक सम चैरिटी, मिसाल के तौर पर बंदे ने ये बात कर दी, तो ये इंटेंशन तो हिट हो गई, ये इंटेंशन क्या हो गई, हिट हो गई। अब इस इंटेंशन के अंदर या इस इंटेंट के अंदर या इस फंक्शनैलिटी के अंदर, हमने देखा था एक इंटेंट एक फंक्शनैलिटी होता है, इस फंक्शनैलिटी के अंदर एक स्लॉट है, क्या वो स्लॉट रिक्वायर्ड है, स्लॉट के अंदर जाके देख लेते हैं। जी जनाब, ये स्लॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अब ये स्लॉट रिक्वायर्ड है ना, तो अब ये इंटेंट तो हिट हो गया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट कहाँ रहेगी, इसी इंटेंट के अंदर ही रहेगी, इंटेंट पलट के पूछेगा सामने से, ये यहीं पे इसी लेवल पे रिप्रॉम्प्ट हो रहा है, ठीक है, इसी लेवल पे रिप्रॉम्प्ट हो रहा है, क्या पूछेगा, हाउ मच सत्ता डू यू हैव, ये मैं स्लॉट के अंदर खड़ा हुआ इसको, ठीक है, या व्हाट अमाउंट या हाउ मच मनी, ये पूछेगा मुझसे वो, और जवाब में बंदा क्या कह सकता है, उसकी भी अटरेंसेस बता दी मैंने ट्रेनिंग के पर्पज के लिए, ये मैं ना भी बताऊं तो चलेगा ही, लेकिन ट्रेनिंग के पर्पज के लिए जाहिर है कि जब वन फ्लो में बंदा कहता है तो वो अलग अंदाज से कहता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कह रहा है आई वॉन्ट टू डू चैरिटी ऑफ 1000 रुपीज, ये एक वन फ्लो में कह दिया उसने, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं कि चैरिटी, मैंने कहा कितने पैसे भाई बताएं आप, तो वो कहेगा यार आई हैव 1000, मुख्तलिफ तरह से कह रहा है, तो इस वजह से ये मैंने नीचे भी बात इससे पूछ ली मुझसे कि यूजर अट्रेंसेस आप वो वाले बताएं कि जब ये बात पूछी जाए तो बंदा सिर्फ ये बात कैसे बता सकता है, ना भी लिखूंगा तो भी सही काम करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही काम करेगा, लेकिन इसको लिख देने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये हो गया, मैं वापस डोनेट में आ जाता हूँ, तो बंदे से फिर क्या पूछा जाएगा, चूंकि ये स्लॉट रिक्वायर्ड है तो बंदे से रिप्रॉम्प्ट किया जाएगा कि भाई कितने पैसे डोनेट करने हैं आपको, बंदे ने नहीं बताया,
सही तरह से नहीं बताया, जवाब नहीं दिया, ठीक है। बंदे ने कहा भाई आई हैव सम मनी या कुछ, आई डोंट अंडरस्टैंड या कुछ भी बंदे ने कह दिया। अब वो मेरे एक दफा पूछेगा बस, दूसरी बार नहीं पूछेगा। एक बार रिप्रॉम्प्ट कर लिया ना उसने कि भाई कितने पैसे कितने मनी, अब वो पूछेगा नहीं दोबारा। अब वो जो भी बंदे ने बोला है उसको सर्वर पे लेके चला जाएगा। अच्छा, सर्वर पे मुझे ये स्लॉट क्या मिलेगा? या तो अनडिफाइंड मिलेगा या तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये पहले तो अनडिफाइंड ही मिलता था, लेकिन अभी कल मैं बैठ के टेस्टिंग कर रहा था, वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है मुझे सर्वर पे, तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात हुई। तो फिर मैंने क्या किया, देखो सर्वर पे मैंने डोनेट इंटेंट, ये मेरा चल रहा है, डोनेट कैन हैंडल तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई फर्क आने की जरूरत नहीं है। फिर हैंडल रिस्पॉन्स जो है, हैंडल इनपुट जो है, उसमें मैंने स्लॉट को अलहदा कर लिया। ये लास्ट क्लास में ही हम कर चुके थे स्लॉट को अलहदा करना। मैंने कहा इंटेंट हैंडलर इनपुट रिक्वेस्ट इनवेलप और ये और ये और ये, ऐसे करके बुक में इन्होंने बताया हुआ है कि स्लॉट हमेशा इसी तरह निकली, स्लॉट यहीं पर होती है हमेशा। अच्छा, स्लॉट को मैंने जो है प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने रुपीज को स्लॉट में से अलग कर लिया, रुपीज को मैंने प्रिंट करवा। तो ये जो प्रिंट है ना मेरा, इसके अंदर कभी कभी ये अनडिफाइन आता है, कभी ये क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये दो तरह के इसमें रिस्पॉन्सेज है। तो मैंने इसमें इफ लगा दिया यहाँ पे, यहां तक प्रिंट करने के बाद मैंने एक इफ लगाया। मैंने कहा कि नॉट रुपीज, कि रुपीज में कोई भी फॉल्सी वैल्यू हो या रुपीज इक्वल्स टू हो क्वेश्चन मार्क के, ये दोनों क्योंकि आ रहे हैं, तो मैंने दोनों को हैंडल कर लिया। तो क्या करो, रीप्रॉम्प्ट करो रुपीज को। रीप्रॉम्प्ट कैसे करो, मैंने कहा हैंडल इनपुट डॉट रिस्पॉन्स बिल्डर डॉट स्पीक, और रीप्रॉम्प्ट तो लगा भाई नहीं इसमें, रीप्रॉम्प्ट इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, डॉट रीप्रॉम्प्ट। और रीप्रॉम्प्ट में भी मैंने क्या कह दिया, रीप्रॉम्प्ट में भी मैंने यही वाली बात कह दी और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, जुमले के आखिर में मैंने फुल स्टॉप लगाया है ताकि मुझे पता चले कि रिस्पांस यहां से आ रहा है। इंटेंट में जो था उसमें मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, रिस्पांस के आखिर में मैंने फुल स्टॉप ऐड कर दिया इसमें, जस्ट टू नो कि यार यहीं से रिस्पांस आ रहा है मेरे पास। और ये जनाब मैंने कर दिया इसको डिप्लॉय। तो इफ अगर ये ट्रू जब तक होता रहेगा, ये इफ जब तक क्या होता रहेगा, रीप्रॉम्प्ट होता रहेगा, जब तक एक लूप में फंसा रहेगा बंदा, जब तक ये ट्रू होता रहेगा। अच्छा, एल्स अगर इन दोनों के अलावा कुछ है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि रुपीज मैंने तो वहां रखा है नंबर में, इंटेंट में मैंने रखा है स्लॉट टाइप नंबर, लेकिन जब मुझे रिस्पांस मिलेगा ना तो वो उसकी फॉर्म स्ट्रिंग होगी, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, ठीक है। होंगे नंबर 1 2 3 4 ही लिखा हुआ होगा उसमें, लेकिन होगा स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग की तरह ही आपको ट्रीट करना होगा, मतलब उसको अगर प्लस माइनस करना है तो पहले उसको इंटीजर बना के फिर प्लस माइनस होगा, तो जस्ट इन केस क्या कहीं उसमें स्टक ना हो जाए। तो स्ट्रिंग में आपको ये डेटा टाइप दे रहा होता है। अच्छा, तो एल्स, एल्स में मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई स्पीक आउट, यू कैन कॉल सैलानी यूएन नंबर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू कलेक्ट योर डोनेशन, और रुपीज मैंने आखिर में लिख दिया है, ठीक है। और इस बार मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं लिखा। रीप्रॉम्प्ट नहीं लिखने का मतलब क्या है कि ये बात बोल के कहानी खत्म कर दो। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे रीप्रॉम्प्ट लगाना है तो मैं यहाँ लास्ट में क्या ऐड करूंगा, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग एल्स, ठीक है। फिर मैं रीप्रॉम्प्ट में क्या लिखूंगा, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। तो इस तरह मैं ये माइक अगर ओपन रखना चाह रहा हूँ तो मुझे हर जवाब के आखिर में एक सवाल छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं माइक ओपन रख सकूं और मेरी पब्लिश जो स्किल है उसको रिजेक्ट भी ना मारे। तो मैं हर जवाब के, जैसे मिसाल के बंदे ने टाइम पूछा और टाइम ले, मैंने कहा इट्स 7 PM, खत्म हो गई बात। अब मैं एक सवाल छोड़ता हूँ उसके आखिर में, वुड यू लाइक टू नो व्हेन इज द नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जस्ट जो भी चीज, के वुड यू लाइक टू नो के व्हेन संडे इज कमिंग। तो कुछ भी मैंने सवाल छोड़ दिया ना अगर, तो मैं फिर रीप्रॉम्प्ट लगा सकता हूँ और फिर रीप्रॉम्प्ट में मुझे मेरी स्किल को रिजेक्ट नहीं मारेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी जाहिर है वो उसकी उसका वो बना हुआ होना चाहिए मेरे पास इंटेंट, वो बात तो खत्म हो गई मेरी वो वाली, लेकिन रीप्रॉम्प्ट पे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इंटेंट बना हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ ना कि भाई सैलानी कॉल करो, बंदा आके ले जाएगा, और वुड यू लाइक टू नो व्हाट टाइम इज इट, वो मेरे इस इंटेंट में तो नहीं है वो बात। तो अगर मैंने ये बात पूछी ना और बंदे ने कहा कि
यस प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट, तो वो दूसरा इंटेंट में मूव कर जाएगा, वहां हिट हो जाएगा। अभी हम करके देखते हैं ये वाला काम, समझ रहे हो? तो एक इंटेंट से दूसरे पे उसको मूव करवाता रहेगा। जैसा कि हमने थ्योरी के वक्त पढ़ा था कि हम इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, इसके जो इंटेंट है उसको डिस्कवरेबल बनाते हैं इन अ मैनर के बंदा उसको डिस्कवर करे। और कब डिस्कवर करे? रेलेवेंट चीजों के साथ। मिसाल के तौर पर डोनेशन देते हुए रेलेवेंट चीज क्या हो सकती है? टाइम पूछना तो नहीं हो सकता ऑफकोर्स, डोनेशन दिए और टाइम क्यों पूछेगा है? नहीं, वो तो उसने हो गया ना, वो डोनेशन का कंप्लीट हो गया। आपको दूसरी फंक्शनैलिटी जो सैलानी में होती हो और जो इसके फौरन बाद बंदा करना चाहेगा, वुड यू लाइक टू रिसीव एक्सपेंस चार्ट? सैलानी के अंदर एक फीचर है कि अगर आप डोनेशन करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा डोनेशन करते हैं ना तो आप साइन अप कर सकते हैं, या आपको पूरा एक्सपेंस भेजा जाएगा पूरे साल कि आपका दिया हुआ पैसा एग्जैक्टली कहाँ पे खर्च हुआ। ये यहाँ पे मैं सवाल पूछ सकता हूँ अच्छा सा जुमला बना के कि भाई आप फोन कर दें बंदा आ जाएगा, और वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट या वुड यू लाइक टू ऑप्ट इन फॉर एक्सपेंस डिटेल, जो भी इसका अच्छा सा जुमला, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कोई, कि उसके लिए अगर आप ऑप्ट इन करना चाहेंगे बंदा कहेगा यस, हम उसको वहां पे ऑप्ट इन करवा देंगे। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। खैर, तो ये थोड़ा सा अभी एडवांस है कि एक इंटेंट से दूसरे पे, हम अभी उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, अभी हम इतने को चला कर देखते हैं। अच्छा, ये सेव किया मैंने और इसको मैंने कर दिया डिप्लॉय। Deploy initiated. इसको भी बिल्ड दबा देता हूँ एक दफा। ठीक है जी, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं टेस्टिंग वाले पेज को। रिफ्रेश करने के बाद मैंने कहा ओपन सैलानी वेलफेयर, वेलकम टू सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आई वांट टू डोनेट मनी, आई वांट टू डोनेट मनी। व्हाट अमाउंट? आई हैव सम अमाउंट। You can call Ceylani UN number and a representative will come to collect your donation of 70. वो if true नहीं हुआ, देखते हैं कि उस console में क्या गया था। वो console कैसे देख सकते हैं? Cloud Watch में गया मैं और इसको नीचे करके default पे click कर दिया। ठीक है, most probably वो उसको नहीं मिला, यानी कि वो जो if लगाया था मैंने वो किसी भी वजह से fail हो गया। तो देखते हैं उसने question mark की जगह कुछ और ही ना दे दिया होगा। अच्छा जी, ये मैंने सबसे पहला जो है ना वो सबसे लेटेस्ट है, क्लिक कर दिया मैंने उसको। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं, अच्छा 70 उसको मिला है रुपीज यार, ये कैसे मिला? ओ 70 पकड़ा उसने, आई हैव 70 इसलिए उसको 70 मिला है वहां पे। ठीक है, तो फिर तो सही रिस्पॉन्स दिया उसने, तो 70 इसको मिला है यहाँ पे। अच्छा हाँ सही है, यहाँ बोला भी इसने 70 है, डोनेशन ऑफ 70। ठीक है, मैंने तवज्जा नहीं दी कि उसने रिस्पॉन्स क्या किया, वरना उसने बोला तो है कि भाई डोनेशन ऑफ 70। एक दफा और ट्राई करते हैं। हाँ नहीं, वो तो उसको मिल गया ना, 70 मिल गया ना, रीप्रॉम्प्ट क्यों करेगा वो? नहीं मिलती जब चलता है ना, देखो ना ये इफ लगाया हुआ ना मैंने, ये देखो ये इफ जब चलता ना, अगर ये वाला इफ तब होता रीप्रॉम्प्ट। अभी कौन सा चला है? एल्स, ये वाला, इसमें रीप्रॉम्प्ट है ही नहीं, रीप्रॉम्प्ट तो मैंने लगाया भाई नहीं इसके अंदर, तो उसको रीप्रॉम्प्ट नहीं किया उसने। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से ट्राई करता हूँ, आई हैव सम मनी बोलने की ट्राई करता हूँ। ओपन सैलानी वेलफेयर, Welcome to Ceylani Welfare Trust.
You can donate money or learn technology here. What would you like to do? अच्छा नोट करें, what would you like to do बोलने से पहले रुका है थोड़ी देर, रुकी है थोड़ी देर एलेक्सा, वो क्यों रुकी है जरा गौर कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके SSML में रिस्पॉन्स भेजा हुआ है, सही है, पहला रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक SSML है और इसमें यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। ये ब्रेक मैंने कहाँ से देख के लगाया है? उसी डॉक्यूमेंट से जो लास्ट क्लास में आपको दिखाया गया था SSML का, वहां से देख के लगाया है, ठीक है। तो एक सेकंड का इसमें ब्रेक है, आप इसको 500 ms का भी कर सकते हैं, मिली सेकंड, ठीक है, आप इसको 3 सेकंड का भी कर सकते हैं, चाहे सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट में वो लिखे हुए ऑप्शन जो जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको जैसा मुनासिब लगे आप वैसा इसको बना सकते हैं। यार ऐसी वाकई ठंडा नहीं कर रहा है, पीछे ठंड हो रही है, ऐसे लिखा आ रहा है 26 बिलावल, गर्मी लग रही है मुझे तो बैठे बैठे। बाहर का टेम्परेचर क्या है 24? सही है। और रात तक क्या होने वाला है? 23, 23, 23, 21, बस यही है, 22, 20, 22 ही रहेगा। खैर, तो मैंने उसको कह दिया ओपन सेलानी वेलफेयर ट्रस्ट और ऐसे करके। अच्छा, मैंने कहा आई वुड लाइक टू डोनेट सम मनी, प्लीज टेल मी द अमाउंट। I have some amount I won't tell you. How much money? I won't tell you how much money. Sorry, I don't know about that. Please try again. अच्छा, ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि जो utterances मैंने लिखी थी ना कि इसके response में मिलेगा, मैंने कुछ और तरह से कह दिया, तो इसको पता ही नहीं चला, सही है। अच्छा, आई वॉन्ट टेल यू हाउ मच ये मैंने बोला एग्जैक्टली, मैंने बोला तो यही नहीं था लेकिन इसको यही समझ आया। तो आई वॉन्ट टेल यू हाउ मच इस नाम से कोई दूसरा इंटेंट भी नहीं था, अगर कोई दूसरा इंटेंट होता तो वो हिट हो जाता। और जो मैंने रिस्पॉन्स बताया था कि भाई इस तरह से जब क्वेरी की जाएगी तो इस तरह से रिस्पॉन्स देगा बंदा, वो भी नहीं इसको पता चला। तो इस वजह से क्या हुआ, उसने कहा भाई फॉल बैक पे जाके फॉल हो गया, ठीक है। एक एक करके हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं चीजें कि किस किस तरह से वो कहां पे क्या चीज हेल्प आउट कर रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि मैं आंसर भी कैसे दूं, जो अटरेंसेस जिस तरह लिखा है उस तरह से मैं आंसर देने की कोशिश करूं। वैसे तो नेचुरल वे तो वही होता, ये तो मैंने बिला वजह बना बना के आंसर दे रहा हूं, तो कुछ और ही बोल दिया मैंने। टॉक टू सेलानी वेलफेयर, calling with Alexa is not supported on this device. You can use the Alexa app instead. Open Selani Welfare. Welcome to Selani Welfare Trust. You can donate money or learn technology here. What would you like to do? I would like to donate some money. How much sadka do you have to donate? ठीक है, अब इसने पूछा how much sadka do you have to donate? अब मैं टाइप करके लिखता हूँ क्योंकि बोलने में ना वो कुछ ना कुछ मतलब निकाल दे रहा है कि 70 और पता नहीं क्या है। अच्छा, क्या लिखूँ इसको मैं? I have money. ठीक है, ये उस utterances से करीब करीब भी है और इसमें मैंने एक्चुअल बात भी नहीं बताई उसको। Please tell me how much you want to donate. Full stop. ये full stop वाला जो रिस्पॉन्स आया ये कहाँ से आया? मेरे सर्वर से आया। तो आप नोट कीजिए कि एक बार ओपन सेलानी वेलफेयर मैंने कहा और मैंने कहा आई वुड लाइक टू डोनेट सम मनी, ठीक है, आई वुड लाइक टू डोनेट सम मनी कहा, इसने कहा हाउ मच सबका। ये बात इसने क्यों पूछी? ये बात इसलिए पूछी क्योंकि वो स्लॉट रिक्वायर्ड था, इसलिए ये बात पूछी इसने, ठीक है। अच्छा, एक बार पूछा, दोबारा नहीं पूछा इसने। लेकिन मैंने कहा आई हैव मनी, बता नहीं रहा मैं कि क्या है, तो इसने फौरन फिर क्या किया, वो चीज उठा के फुलफिलमेंट पे भेज दी कि भाई एक बार तो मैंने पूछ लिया लेकिन बंदे ने बोला नहीं, ठीक है। अच्छा, सर्वर पे जाने के बाद जब मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैंने क्या किया, वहां से रीप्रॉम्प्ट भेजा। अच्छा, अब मैं इसको असल बात बता देता हूँ। आई हैव 1000 rupees, मैंने कहा आई हैव 1000 rupees, ठीक है।
इसको you समझ can call Ceylani UN number and a representative will come to collect your donation of 1,000. ठीक है, तो आपने नोट किया कि रीप्रॉम्प्ट लगाने की वजह से उसने वो इंटेंट ना तो खत्म किया था और ना ही उसने क्या किया, माइक को क्लोज, अब माइक क्लोज वाला बिहेवियर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वो जाहिर है मोबाइल फोन पे करके देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे वो माइक को ओपन रख रहा है और कौन से पॉइंट पे वो क्लोज कर रहा है, क्योंकि ये तो सिमुलेटर है टेस्टिंग के लिए, तो 8 सेकंड भी इसमें वो बात पता नहीं चलेगी, वो मोबाइल डिवाइस पे और सबसे बेस्ट कि एलेक्सा की फिजिकल डिवाइस उसमें सबसे बेस्ट पता चलेगा आपको, ठीक है। और एक तो उन्होंने रिटायर कर दिया, वो क्या नाम था उसका, जो अलेक्सा की एक डिवाइस आती थी वेब पे ऑनलाइन, इकोइज्म, इकोइज्म करके एक डिवाइस थी, उसमें क्या होता था कि वो ना रियल वो करते थे, हाँ नहीं ये ये है वो egoism.io, लेकिन ये इन्होंने खत्म कर दिया है, 5 अप्रैल को क्लोज कर दिया। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था छोटा सा, ऐसे डैशबोर्ड खुल जाता था और उसमें रियल एलेक्सा का एक्सपीरियंस देने की कोशिश की थी उन्होंने, और खासतौर पर डेवलपर्स को ही मद्देनजर रखते हुए बनाया था, तो रियल एलेक्सा का ना देने की कोशिश की थी वो, उसी तरह से उसमें लाइटें बनाई हुई थी HTML CSS के जरिए, लाइटें बनाई हुई थी, जब आप एलेक्सा बोलते थे वो लाइट जब चलती थी, फिर वो ब्लिंक उसका सेम उसी तरह होता था इस तरह एक्चुअल डिवाइस में होता है, ठीक है। उसमें बटन्स भी थे, आप माउस से बटन प्रेस कर दें तो म्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते थे आप, तो वो इन्होंने बहरहाल रिटायर कर दिया है। तो अभी आपके पास एक वाहिद ऑप्शन है मोबाइल फोन, तो जरा मोबाइल फोन पे इसका समाचार हो जाए। अच्छा जी, तो अलेक्सा खोल लिया, स्क्रीन शेयरिंग मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग करने से इंटरनेट बंद हो जाता है इसका, ठीक है। मोबाइल फोन की अगर स्क्रीन में शेयर कर दूँ तो उसका बटन बंद हो, इंटरनेट बंद हो जाता है मोबाइल फोन का। अच्छा, तो मैं इसको कहता हूँ कि अलेक्सा ओपन सेलानी वेलफेयर, Alexa, I would like to donate some money. अच्छा, ये ऐप शायद कुछ गड़बड़ कर रही है, ये असल में हो रहा ही है कि हाउ मच मनी बोलने के बाद ना हल्की सी माइक आया उसके बाद गायब हो गया, लेकिन स्टिल वो लिसनिंग खत्म हो गई इसकी, उसको बंद करके ऑन करता हूँ वापस। तो आपने देखा कि कुछ कुछ बातें बोलने के बाद वो दोबारा से लिसनिंग वाले मोड में आ जाता है, कुछ बातें बोलने के बाद वो लिसनिंग वाले मोड में नहीं आता, तो वो जरा दोबारा से हम जो है ना उसको टेस्ट करते हैं, मे बी उस ऐप में कुछ गड़बड़ हुई है, वो लिसनिंग आके फौरन गायब हो गई। अलेक्सा, अलेक्सा ओपन सेलानी वेलफेयर। अच्छा, अभी तक ये वही पॉइंट थे। आई वॉन्ट टू डोनेट 1,000 रुपीज। You can call Ceylani UN number and a representative will come to collect your donation of 1,000. इसके बाद लिस्टिंग वाली स्क्रीन नहीं आई, नोट किया सबने? अब वो एग्जिट हो चुका है वहां से, ठीक है, इंटेंट भी एग्जिट हो चुका है और इस लिस्टिंग वाली स्क्रीन भी नहीं आई। इससे पहले आपने देखा था वो जैसे ही जवाब खत्म हो रहा था लिस्टिंग वाली स्क्रीन आ रही थी, तो वो लिस्टिंग वाली स्क्रीन रीप्रॉम्प्ट की वजह से आ रही थी, क्योंकि उससे इसको पता चलता है कि ये शायद कोई सवाल बोला गया है और उसका जवाब मांगना है मुझे। अच्छा, 8 सेकंड वाला भी जरा ट्राई करते हैं दोबारा से, बीच में तो वो प्रॉब्लम हो गई। अलेक्सा ओपन सेलानी वेलफेयर। वेलकम टू सेलानी वेलफेयर ट्रस्ट, यू कैन डोनेट मनी और लर्न टेक्नोलॉजी हियर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? Welcome to Ceylani Welfare Trust. You can donate money or learn technology here. What would you like to do? अच्छा, तो 8 सेकंड बाद आपने देखा इसने रिपीट किया है। आप अगर सामने स्क्रीन पे देखें कोड में, तो मैंने क्या किया है, स्पीक में भी सेम बात बोली हुई है और रीप्रॉम्प्ट में भी सेम बात बोली हुई है, तो 8 सेकंड बाद रुकने के बाद ना इसने सेम बात रिपीट कर दी, ठीक है, वो रीप्रॉम्प्ट की वजह से हुआ। तो ये हमने रीप्रॉम्प्ट को भी अच्छे से समझ लिया है।
जो बातें अभी तक हमने समझी है, इसमें किसी का अगर कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछे। खाली तो नहीं छोड़ पाएंगे, शायद वो एरर दे देगा उसको। अच्छा नहीं, रीप्रॉम्प्ट तो ऑब्वियस ही बात है, जाहिर है रीप्रॉम्प्ट तो कुछ ना कुछ बोलना ही है ना। नहीं 8 सेकंड तक तो वो, हाँ ये ट्राई करके देखना, मैंने करके नहीं देखा असल में। जो आप कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं भाई मुझे सर सिर्फ माइक खुला रखना है, मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा वो कुछ बोले, तो क्या मैं खाली रख के भेज सकता हूँ रिप्रॉम्प्ट? तो ये मैं करके नहीं देखा, आप करके देखिएगा, या एम्प्टी स्ट्रिंग रख दीजिएगा आप, सही है, या सिर्फ छोटी सी कोई बात भी रख सकते हैं आपके, आई डिडंट हियर एनीथिंग, ये आप लिख सकते हैं रिप्रॉम्प्ट के अंदर। तो खैर, तो आज हमने ये रिप्रॉम्प्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझा। तो हम कहां से छोड़कर कहते हैं, ASK SDK facilitate the transformation by taking the request and directing it to a handle that can build the response। तो आपने देखा कि लाइब्रेरी के जरिए ये काम कितनी आसानी से हो रहा है। हमने जेसन वाला फॉर्म भी देखा है, जेसन काफी लंबा सा जेसन है, मुश्किल है, लाइब्रेरी के जरिए डॉट डॉट लगा के बड़ी इजीली ये काम हो जाता है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हैंडलर, पता नहीं क्या हैंडलर हैंडलर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको उसको देखने की आदत हो जाएगी, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे इसने ये क्या बात बताई है कि द फॉलोइंग लिस्टिंग शोज द बेस ऑफ स्लीप क्वालिटी स्किल। ये जो स्किल बना रहा है सुपर स्लीपर करके, वो उस स्किल के बारे में ना ये लिस्टिंग उसकी दिखा रहा है कि क्या मैंने ऐसा कोड लिखा है फुलफिलमेंट में। अच्छा, इट्स अ स्टेप बियॉन्ड अ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड से एक स्टेप आगे है। एप्लीकेशन एंड लेज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग दैट विल कम लेटर। इनसाइड द स्किल वी विल हैव अलेक्सा स्किल किट नॉट जेएस पैकेज। ठीक है, ये कह रहा है भाई मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर, विच इज अ टूलिंग टू बिल्ड द जेसन दैट विल सेंड बैक टू द अलेक्सा प्लेटफॉर्म। ये लाइब्रेरी कह रहा है कुछ भी नहीं है, जस्ट जेसन क्रिएट करने के लिए काम आता है। हम अंदर लिखते हैं डॉट डॉट और जेसन क्रिएट होता है, इसका इससे ज्यादा कोई काम ये कह रहा है नहीं। इट प्रोवाइड्स द अलेक्सा बिल्डर टू टेक द एडेड रिक्वेस्ट हैंडलर। अभी लंबी कर रहा है ज्यादा, देख लेते हैं कोड को डायरेक्ट। इसने कहा कैन हैंडल, कैन हैंडल तो सेम रहेगा, कैन हैंडल तो मेरे को चेंज नहीं किया उन्होंने। इसने कहा स्पीच वेल रेस्टेड इंटेंट, ये स्पीच इसने बनाया है। अच्छा, इसने कहा रिस्पॉन्स बिल्डर डॉट स्पीक और स्पीच। अब जैसे ही बंदा ये इंटेंट हिट करेगा ना, तो उसको एक सिंपल सा जवाब मिल जाएगा, क्या वेल रेस्टेड इंटेंट। ठीक है, तो इसने एक इंटेंट बनाया है जिसमें अटरेंसेस में इसने कुछ बात लिखी है कि एम आई वेल रेस्टेड, इस तरह करके वो बात लिखी है, और जैसे ही वो इंटेंट हिट होता है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स भिजवा रहा है, जो हमने कल की क्लास से भी पहले कर लिया था, हेलो वर्ल्ड में हमने ये काम कर लिया था कि बैक एंड से कोई एक रिस्पॉन्स भिजवाते थे। अच्छा, जस्ट स्पीक है, इसका मतलब है बोल के कहानी खत्म हो गई, उसके बाद ये माइक को ओपन नहीं रखे हुए। अच्छा जी, अब ये नीचे बता रहा है कि उसको नीचे पास भी करना होता है उस फंक्शन को। ठीक है, हमने भी देखा है कि अगर 2-3 इंटेंट बनाते हैं तो जितने फंक्शन ऊपर होंगे उस सबको नीचे पास करना होता है, वरना वो फंक्शन उसको पता नहीं चलेगा कि ये भी मौजूद है। अच्छा जी, तो अब ये कह रहा है कि जनाब ये जो स्पीक है ना, ये वाला, ये जो हमने लिखा है कोड, तो इसके अगेंस्ट जेसन क्या क्रिएट हुआ है, ये जेसन क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस तरह का जेसन क्रिएट हुआ है, आप ये जेसन ऐसे भी भेज सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे इसने जो डायग्राम सा बना के दिखाया है, इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम यूजर थ्रू डिवाइस एंड अलेक्सा टू द फुलफिलमेंट बैक। कि यूजर ने बोला, डिवाइस पे पहुंचा, डिवाइस से अलेक्सा के क्लाउड से होता हुआ फुलफिलमेंट पे पहुंचा, वहां से वापस यूजर के पास आया। ठीक है, बंदे ने कहा अलेक्सा आस्क स्लीप ट्रैकर हाउ वेल रेस्टेड आई विल बी इफ आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए अगर मैं सो तो कितना रेस्टफुल होगा। इंटेंट कौन सा हैंडल हुआ, वेल रेस्टेड इंटेंट। ठीक है, इसके अंदर स्लॉट कौन सा डिटेक्ट हुआ, नंबर ऑफ आवर्स, और उसमें 8 मिल गया उसको। ठीक है, 8 आवर इसने कहा तो 8 मिल गया उसको। ठीक है जी, अब इसने इवेंट हैंडलर को कॉल किया, इवेंट हैंडलर हमारे फुलफिलमेंट के अंदर
लैम्डा फंक्शन में जाहिर है एक हैंडलर होता है, तो ये उस हैंडलर की बात होगी, ठीक है। उस हैंडलर के अंदर वेल रेस्टेड इंटेंट हैंडलर के नाम से एक फंक्शन था, ठीक है। हमारे इंटेंट हैंडलर का नाम क्या है? डोनेट इंटेंट हैंडलर, इसके केस में है वेल रेस्टेड इंटेंट हैंडलर, ठीक है। कैन हैंडल चला, हैंडल चला और हैंडल के अंदर से स्पीक रिटर्न हुआ, और वो स्पीक कहां पे पहुंचा? रिस्पॉन्स के तौर पे अलेक्सा के क्लाउड में पहुंचा हुआ, जाहिर है किसी भी सर्वर से रिस्पॉन्स करेंगे तो जहां से रिक्वेस्ट गई थी वहीं पहुंचता, तो अलेक्सा के क्लाउड ने रिक्वेस्ट की थी तो उसी को रिस्पॉन्स मिला। अब क्लाउड के अंदर स्पीच टू टेक्स्ट परफॉर्म होता है, ठीक है, यानी जो टेक्स्ट सर्वर से भेजा गया है उसको एक ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम होता है, और फिर उसको अलेक्सा के डिवाइस पे प्ले करके सुना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो है, एक सिंगल इंटेंट को लेकर ये पूरा फ्लो हम इस क्लास तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसने सुपर स्लीपर बनाया, हमने सैलानी की ऐप बनाई है डोनेट वाली, हमने एक इंटेंट बनाया जो कुछ बोलने से वो इंटेंट हिट हो जाता है, वो इंटेंट ओपन हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो इंटेंट हमसे मांगता है कि कितने पैसे डोनेट करना, और जब तक हम वो बोलते नहीं हमसे वो पूछता रहता है, जब हम बोल देते हैं तो उसको पता चल जाता है। तो इसमें वही काम हुआ है सेम, कि एक स्लॉट हमने पिक कर लिया, एक इंटेंट पूरा शुरू से लेके आखिर तक का फ्लो हम उसका समझ चुके हैं। इसमें किसी का कोई सवाल? अब हम इसके बाद 2, 3, 4 इंटेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हर इंटेंट के लिए अलग हैंडलर बनेगा, एक इंटेंट एक हैंडलर, एक इंटेंट एक हैंडलर। हम एक से ज्यादा को एक ही में हैंडल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, इफ एल्स लगा के, लेकिन ऐसा आमतौर पर करते नहीं है, नहीं। जैसे देखो ये डोनेट हैंडलर है ना, अब मैं कोई नया इंटेंट बनाऊंगा ना, इसी डोनेट हैंडलर को डुप्लीकेट मारूंगा पूरे फंक्शन को। हाँ, ये कैन हैंडल मैं दो बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करते नहीं आप, सही है, करते नहीं ऐसा हम लोग। मिसाल के तौर पर मैं ये कर सकता हूँ कि डोनेट हो या सदका हो तो इसी हैंडलर को चलाया जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि एड्रेसेस दोनों में लगा दो, एड्रेसेस दोनों एक ही में लगा दो, तो दोनों में से कोई भी बात बोलेगा एक ही हिट हो रहा हूँ। तो इस तरह से चीजें जो सोच सकते हो ना वो पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरू में फॉलो कर लो, उसके बाद जब समझ जाओगे हाथ सेट हो जाएगा तो फिर जो दिल करे वो करते रहना, लेकिन शुरू में कोशिश करोगे थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बुक में बता रहे हैं ना वो फॉलो कर लो, क्योंकि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसको देखते देखते सीखोगे ना तो जल्दी सीख जाओगे, वरना गुम हो जाओगे, क्योंकि बहुत लिटरली बता रहा हूँ बहुत सारे मसले इसके अंदर भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऐसी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया तो मैंने का जिक्र कर दूं, ये कन्फर्मेशन एक बार तुमने इनेबल कर दी ना, ये डिसेबल नहीं कर सकते, ये इसका बग है इस यूआई का, हुआ था ना तुम्हारे साथ ये एक प्रॉब्लम। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम जो है ना इसमें प्लेटफॉर्म में मौजूद है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इस वजह से जैसे वो बुक में बता रहा है ना, पहले उतनी चीजें पहले पूरी कर दो ताकि तुम्हें एक तुम्हारा मेंटल लेवल डेवलप हो जाए, कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता चले कि किस पॉइंट पे अलेक्सा का प्रॉब्लम है, किस टाइम पे तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वजह से हम ट्रैक से कोशिश करेंगे कि हटे नहीं, सीधा सीधा ट्रैक पे चलते रहें। अच्छा जी, तो ये हो गया जनाब, ये पूरी उसकी कहानी लिख रहा है नीचे, वेल रेस्टेड इंटेंट अब क्या चीज है वो पूरा लिख रहा है। कंफर्मिंग स्लॉट वाया वैल्यू वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? इसने स्लॉट को अलग कर लिया, नंबर ऑफ आवर को अलग कर लिया, नंबर ऑफ आवर को इंटीजर में कन्वर्ट किया, नोट कर रहे हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ आवर है तो नंबर, लेकिन मिलेगा स्ट्रिंग में हो यहाँ पे, जैसे HTML के अंदर होता है, नंबर आप भले कर दें टाइप नंबर है इनपुट बॉक्स में, लेकिन वो देता है स्ट्रिंग ही है। तो इसने पार सेंड कर लिया, अब पार सेंड करने के बाद इसने क्या कहा, नंबर डॉट इज इंटीजर, और उसको ये पास कर रहा है, ठीक है। इज इंटीजर एक ऐसा वो होता है, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो नंबर है या नहीं, ठीक है। या उसको हम इज एनएन भी इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इज एनएन तो ये करता है कि वो दूसरी चीज बता रहा होता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जावास्क्रिप्ट का बिल्टन, जिसके जरिए ट्रू फॉल्स में आपको जवाब दे देता है कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। इज एनएन से भी ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये।
अच्छा तो अगर ये एडजस्ट आवर जो है, अगर ये नंबर है, अगर ये इंटीजर है, तब तो इसने क्या किया वो दिखाया नहीं है। एल्स में, सही है, एल्स में इसने कहा कि भाई स्लॉट की वैल्यू को प्रिंट कराओ और रीप्रॉम्प्ट करो, क्योंकि जो मिला है वो चीज नंबर नहीं है एल्स में। तो अगर वो नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, गलत वैल्यू आ गई है। तो रीप्रॉम्प्ट करवाया इसने दोबारा, ये रीप्रॉम्प्ट अभी अभी हम करके देख चुके हैं, ठीक है। स्पीच अलग बनाया, रीप्रॉम्प्ट अलग बनाया, नोट कर रहे हो, स्पीच में अलग बात लिखी है, रीप्रॉम्प्ट में अलग बात लिखी है, और स्पीक और रीप्रॉम्प्ट दोनों यहाँ पे रख के भिजवा दिए। पहली वाली बात ये पहले कहेगा, सेकंड वाली जो बात है रीप्रॉम्प्ट, ये 8 सेकंड रुकने के बाद ये बात कहेगा, ठीक है। इस जुमले को अगर आप पढ़ें, पहला क्या है, ओ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, टेल मी अगेन, हाउ मेनी आवर्स विल यू स्लीप टुनाइट। कहेगा यार मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहा आपने, हो सकता है आपने सही कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या कहा आपने, तो आप मुझे दोबारा बताएं। अगर बंदे ने कुछ नहीं बोला 8 सेकंड तक, तो क्या करेगा, हाउ मेनी आवर्स आर यू गोइंग टू स्लीप टुनाइट, दोबारा पूछेगा उसी बात को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो इससे सिंपली क्या होगा कि वो माइक ओपन रहेगा, रीप्रॉम्प्ट यूजर से दोबारा पूछा जाएगा। ये हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके अभी देख चुके हैं, समझ आया सबको ये, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर में आप नोट कीजिए, इसने क्या किया है कि अगर तो इंटीजर वो है नंबर, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई है, सही वैल्यू जो थी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है, तो इसने क्या करवाया, एडजस्ट आवर, अगर 12 से आवर बड़ा है तो अलग एक वैल्यू बनवाइए रिस्पॉन्स भेजने के लिए, अगर 8 से बड़ा है तो एक अलग वैल्यू बनवाइए भेजने के लिए, ठीक है। एक ही स्पीच का वेरिएबल है जो शुरू में खाली था, और उसको इफ 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 करा के ना उसमें अलग अलग वैल्यू भर रहे हैं, सही है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद इनमें से एक ही इफ हिट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि चेन स्टेटमेंट है। हमने देखा कि इफ एल्स इफ का जो चेन स्टेटमेंट होता है उसमें से कोई एक हिट होता है तो वो आगे को चेक नहीं करता, तो इसमें से कोई एक जो है वो हिट हो जाएगा, हमें ये अज्यूम करना है। अच्छा, जैसे ही हिट होगी या इफ एल्स की पूरी चेन खत्म होगी, उस स्पीक को इसने रिटर्न करवा दिया, इस बार इसने रीप्रॉम्प्ट नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि ये बात बोल के खत्म करने वाली कहानी, कि भाई बोलो और खत्म, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर, आस्किंग नहीं है, रिप्रॉम्प्ट नहीं है, रिस्पॉन्ड है उसमें। अच्छा जी, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो घर जाके बुक को पढ़ते हैं, कोई है जो यहां तक पढ़ चुका हो, स्लीप क्वालिटी में क्या बात कर रहा है कोई प्लीज बताना चाहेगा, खड़े हो गए, थक गया यार मैं थोड़ा, जूस भी खत्म हो गया मेरा। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा इस पैराग्राफ में ये क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने कुछ दिया था क्या, असाइनमेंट वगैरह दिया था, क्या दिया था, हाँ वेदर ऐप दिया था यार, वो तो मैं भूल ही गया भाई, लिंक भेजो मुझे, लिंक बल्कि नहीं भेज सकते, जिसने भी बनाया है वो प्लीज आए, लाइव वीडियो करते हैं भाई, अच्छा हुआ याद आ गया, क्योंकि बोल बोल के ना मैं थक गया यार, बोला नहीं जा रहा, फूड ऑर्डर मंगी दिया था, इसको अच्छा, कोई ऐसा है जिससे वेदर ऐप बन गई हो, कोई भी नहीं ऐसा, अच्छा तुम लोग कह रहे हो तुम्हारी बनी भी है, बस एक इशू है। अच्छा यार, बाकी लोग भी ना एक काम करें, फूड ऑर्डरिंग वाली हो गई है, कैसे हो गई है, वेदर ऐप तो ज्यादा मुश्किल था, फूड ऑर्डरिंग में क्या हो रहा है जरा प्लीज बताओ, नहीं ऐसी मुझे बताओ कुछ नहीं हो गया, हाँ तो
अच्छा तीन आपने स्लॉट बना लिए यार, कस्टम कस्टम स्लॉट तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, खुद से कर लिया। कस्टम स्लॉट अभी तक बुक में भी नहीं आया। जमील बहुत आगे जा रहे हैं आप लोगों से, कुछ करना पड़ेगा इनका, शादी वादी करवानी पड़ेगी, बिजी हो जाए थोड़ा। ऐसी स्पीड से निकला तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा। नहीं यार लेकिन क्लैपिंग होनी चाहिए थी, जो सीखा मैं पढ़ाई नहीं है मैंने वो भी कर ली इन्होंने। गुड यार जबरदस्त। अच्छा तो एक काम करें, बाकी लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, फूड ऑर्डरिंग तो इन्होंने खुद से बनाया, वो तो मैंने शायद बोला नहीं था, बोला था मैंने वेदर ऐप पहले बोला था, वेदर ऐप मैंने पहले बोला था। हाँ कस्टम स्लॉट मैंने नहीं करवाया था, इसलिए मैंने कहा वेदर ऐप को, वेदर ऐप में बिल्ट इन स्लॉट हो जाती है। तो यार वेदर ऐप जिन लोगों ने नहीं बनाया ना, अभी काफी हमने डिटेल में समझाया कि रीप्रॉम्प्ट वगैरह ये चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा हैंड ऑन भी हो जाएगा। अगर बंदा सिटी का नाम नहीं बता रहा है तो उससे रीप्रॉम्प्ट करना है, जब तक नहीं बता रहा जब तक पूछते रहना है, इसी तरह से करना है। मैं कोड भी लिख देता हूँ, मैं कोड भी स्क्रीन पे खोल देता हूँ, इस कोड को आप देख भी सकते हैं, डोनेट हैंडलर, ठीक है जी। ये पूरा कोड मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दिया, तो आप यहाँ से देख के प्लीज उसको अगर करना चाहें तो देख के भी करें। यही सेम कोड बुक में भी लिखा है रीप्रॉम्प्ट वाला, वहां से भी आप देख के ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इनका जब तक वो छोटा सा इशू है वो देखता हूँ, और अगर बन जाता है, वेदर ऐप कंप्लीट हो जाती है किसी की आप में से, तो वो प्लीज मुझे हाथ खड़ा करके बताए, आपको यहाँ बुलाया जाएगा और सब लोग से शेयर करेंगे फिर आपने ये क्या बनाया है।